हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ पाई नेटवर्क के बारे में। पाई नेटवर्क का नाम शायद आपने सुना होगा और आप माइनिंग भी कर रहे होंगे पाई नेटवर्क के लिए, पर कुछ दिक्कतें कुछ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है अभी पाई नेटवर्क पर। वो है KYC। इसकी KYC पाई नेटवर्क पर KYC कैसे करें, तो उसके लिए सिंपल से स्टेप बता रहा हूँ मैं आपको। बिल्कुल ईजी स्टेप है, आप वीडियो अगर पूरी देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा कि पाई की KYC कैसे करें। तो इसके लिए लगातार बने रहे इस चैनल पर और देखिए पूरी वीडियो। पाई की KYC करने के लिए सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आपको पाई नेटवर्क है वो ओपन करना है। इट विल टेक हार्डली 1 to 2 seconds टू ओपन। ठीक है, ये ओपन हो रहा है अभी, ये ओपन हो गया अपना ऐप। जैसे ही अपना पाई नेटवर्क का ऐप ओपन होता है तो अपने को क्या करना है, अपने को 3 lines आप देख रहे हैं दोस्तों लेफ्ट हैंड पे 3 lines शो कर रही है, 1 2 3। 3 lines पे अपने को क्लिक करना है। जैसे ही अपन 3 lines पे क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन है, सबसे नीचे वाला प्रोफाइल, तो प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका सबसे ऊपर आपका नाम शो होगा। जैसे आपका नाम कुछ भी है, जैसे मेरा नाम है सुभाष चंद्र राजपूत, मेरे आधार कार्ड में भी मेरा नाम सेम है। पाई की KYC के लिए सबसे मेन स्टेप, सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज यही है कि आपका नाम और आपके आधार कार्ड का नाम, आपका नाम जो पाई नेटवर्क पे शो कर रहा है और आपका आधार कार्ड में क्या नाम है, दोनों नाम आपके सेम होने चाहिए तो आपकी KYC हो सकती है, अदरवाइज़ आपकी KYC पेंडिंग रहेगी। यदि आपका नाम मिसमैच है, आपका नाम मिसमैच है, यदि आपके पाई नेटवर्क पे आपका नाम कुछ अलग शो कर रहा है और आपके आधार कार्ड में आपका नाम अलग है, तो वो नाम कैसे चेंज करें पाई नेटवर्क पे, उसके लिए मैं एक वीडियो और बना दूंगा 1 या 2 दिन में। तो उसके थ्रू आप देख सकते हैं कि कैसे आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले KYC के लिए बताता हूँ मैं आपको। KYC के लिए अपने को, अगर आपका नाम सेम है तो आपको KYC करने में कोई दिक्कत का सामना नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना है, अपने को वापस जाना है। वापस जाने के बाद अपने को 3 lines पे क्लिक करना है। 3 lines पे क्लिक करने के बाद 3rd option है पाई ब्राउज़र। पाई ब्राउज़र पे क्लिक करने से पहले आपके मोबाइल में पाई ब्राउज़र ऐप डाउनलोड होना मस्ट है। अगर आपके मोबाइल में पाई ब्राउज़र ऐप डाउनलोड नहीं है तो आप इसको प्ले स्टोर से, यदि आप एंड्रॉयड चलाते हो तो आप प्ले स्टोर से, यदि आप एप्पल चलाते हो तो अपने ऐप स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपको पाई नेटवर्क पे आना है, 3 lines पे क्लिक करना है, पाई ब्राउज़र ऐप पे आना है। पाई ब्राउज़र ऐप पे जैसे ही आप आते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा साइन इन टू पाई ब्राउज़र, तो साइन इन टू पाई ब्राउज़र पे आपको क्लिक करना है। साइन इन टू पाई ब्राउज़र पे क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक जो आपने पाई ब्राउज़र का जो ऐप डाउनलोड करा था उससे लिंक्ड हो जाएगा। जैसे ये पाई ब्राउज़र वाले ऐप से लिंक्ड होता है तो इस टाइप का कुछ सरफेस आपके सामने ओपन होगा। अभी ये ओपन हो रहा है, तो इसमें ये ओपन हो गया है। तो इसमें दोस्तों 7 options फ़िलहाल मेरे को शो कर रहा है। 1st option है चैट पाई। चैट पाई वाला ऑप्शन ये है कि आपके सर्किल में, पाई नेटवर्क के सर्किल में, जैसे आपने किसी को इनविटेशन किया हो, इनवाइट करा हो किसी को, या किसी ने आपको इनवाइट करा हो, जो भी आपकी टीम सर्किल है उसके आप एक साथ, उस सारी टीम से एक साथ आप बात कर सकते हैं। 2nd option है वॉलेट पी आई। तो वॉलेट PI में ये आपका वॉलेट है पाई का, ये आपकी वॉलेट है जो एक मेन चीज़ है आपके पाई की वॉलेट। ये आपका पाई का वॉलेट, आपको पाई की वॉलेट की और पाई के वॉलेट की जो भी चीज़ें हैं वो आपको सेफ और सुरक्षित रखनी है। लास्ट वाला ऑप्शन है इसमें KYC पाई। तो अपने को सिर्फ KYC में अभी अपन डिटेल से जानना चाहते हैं तो अपने को और ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है, तो अपने को KYC पे क्लिक करना है पाई की KYC करने के लिए। जैसे ही अपन पाई की KYC के लिए क्लिक करते हैं तो दोस्तों मैंने अपनी KYC ऑलरेडी कर ली है, तो इसमें आप देखेंगे क्या शो करता है। यदि आपकी KYC नहीं हुई है तो आपको या तो इसमें स्लॉट अवेलेबल होंगे, अगर देखो दोस्तों मेरी KYC के बारे में बता रहा है, योर एप्लीकेशन स्टेटस KYC पास्ड, योर KYC एप्लीकेशन इज़ कम्प्लीटेड एंड अप्रूव्ड। ठीक है, तो मेरी KYC ऑलरेडी हो चुकी है। यदि आपको अपनी KYC करनी है तो इसी लाइन पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद या तो आपको स्लॉट अवेलेबल होगा, यदि आपको स्लॉट अवेलेबल नहीं होता है, यदि आपका डायरेक्ट अगर KYC का फॉर्म अगर ओपन हो जाता है
तो सिंपल से स्टेप हैं, वो सिंपल से स्टेप आपको फॉलो करने हैं। आपको जैसे ही आप केवाईसी करते हो, आपका आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए। और जैसे ही आप आधार कार्ड का फ्रंट और बैक की फ़ोटोज़ मांगेगा, वो फ्रंट और बैक की फ़ोटोज़ अपने को डालनी है। आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो सेम एड्रेस आपको फिल करना है। सेम एड्रेस फिल करने के बाद आपकी केवाईसी हो जाएगी। बीच में एक ऑप्शन और आएगा, जैसे ही आपकी वो प्रोफाइल सेल्फ़ी के लिए बोलेगा तो सेल्फ़ी अपने को डालनी है। सेल्फ़ी में उसमें लिखा आएगा कि अब आपको स्माइल करना है, अब आपको अपनी आई ब्लिंक करनी है। दैट्स ऑल स्टेप। जैसे ही आप उस स्टेप फॉलो करते हैं तो आपके केवाईसी का फॉर्म अप्रूव्ड हो जाएगा। यदि आपका केवाईसी में नाम और आधार कार्ड में नाम सेम है तो जल्दी ही केवाईसी का रिजल्ट भी आ जाएगा। इट विल टेक अप्रोक्स 1 to 2 hours में आपका केवाईसी का रिजल्ट आ जाएगा अप्रूव्ड का, यदि आपका नाम सेम है। यदि आपका नाम सेम नहीं है तो ये पेंडिंग में चला जाएगा। दोस्तों, चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पाई से रिलेटेड या क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। ठीक है, ओके, धन्यवाद।